साथियों, हम पंजाब को पंजाबियत की नजर से देखते हैं। हमारे लिए पंजाबियत ये सबसे प्रमुख है। ये जो हमारे विरोधी लोग हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब को सियासत के चश्मे से देखते हैं। हम पंजाबियत को गहराई से देखते हैं भाइयों, और इसलिए हमें करतारपुर साहब कॉरिडोर के विकास का सौभाग्य मिला। मैं आज कांग्रेस सरकार के सामने कुछ गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं पूरे पंजाब को गुरुओं के आशीर्वाद लेकर के जीने वाले हर पंजाबी को मैं कहना चाहता हूं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो सवाल आप भी पूछिए। आप मुझे बताइए, जब भारत विभाजन हुआ नेता कौन थे भाई? कांग्रेस के थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? देश के टुकड़े हुए तब कांग्रेस के लोग थे कि नहीं थे? क्या इनको इतनी समझ नहीं आई कि 6 किलोमीटर दूर सीमा से हमारे गुरु नानक देव जी की तपोभूमि, क्या विभाजन के समय वो 6 किलोमीटर और गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि भारत में रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? जरा हिम्मत से बताओ, रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? ये पाप किया है कि नहीं किया उन्होंने? हमारी भावनाओं को कुचला है कि नहीं कुचला है? दूसरी घटना, 65 की लड़ाई हुई, भारत की सेना लाहौर में झंडा फरकाने की ताकत के साथ आगे बढ़ रही थी। बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? अगर 65 की लड़ाई में थोड़ा 2 कदम आगे जाते तो गुरु नानक देव जी की तपोभूमि हमारे पास होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? वो पहला मौका चुक गए विभाजन के समय, दूसरा मौका चुक गए 65 की लड़ाई में, और फिर बांग्लादेश की लड़ाई हुई। बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90,000 पाकिस्तान की सैनिकों ने हिंदुस्तान की सेना के सामने घुटने टेक दिए। 90,000 सैनिक हमारी कैद में थे, हिंदुस्तान की कैद में थे। अगर दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दम होता तो उनको कह देते कि 90,000 सैनिक तुम्हें तब मिलेंगे जब हमें हमारे गुरु नानक देव की तपोभूमि वापस मिलेगी। ये काम उनको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? 3-3 बार मौके मिले उन्होंने गवा दिए, 3-3 बार मौके मिले गवा दिए। भाइयों बहनों, मैंने आज लड़ाई तो थी नहीं, कूटनीतिक ताकत से कॉरिडोर बनाया, और कल तक जो दूरबीन से गुरु महाराज की तपोभूमि के दर्शन करते थे, आज मेरे श्रद्धालु वहां जाकर के दर्शन कर करके आ जाते हैं। भाइयों मुझे बताइए, ऐसे शासकों के लिए सवाल बनता है कि नहीं बनता है? ऐसे लोगों पे कोई भरोसा कर सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, हम तो एक समर्पित लोग, हमें विरासत के भी गर्व है और विकास की जिम्मेवारी भी हमारे सामने है। हम गुरुओं के प्रकाश पर्व को पूरी आस्था से सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मनाते हैं, और भारत की इस महान विरासत की दुनिया के लोगों को पहचान करवाते हैं। लेकिन इन लोगों का इतिहास क्या है? इन लोगों के नाम पर दरबार साहब का अपमान, हिंसा और खून खराबे का कलंक दर्ज है। हम सिख दंगों के आरोपियों को
सजा दिलवाते हैं, ये उन्हें अपनी पार्टी में बड़े बड़े ओहदे देते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। काशी विश्वनाथ धाम बना तो उस पुण्य काम भी उसका भी ये लोग विरोध करते रहे। काशी विश्वनाथ मंदिर को सदियों पहले माझा की धरती से विशेष रिश्ता रहा है। मंदिर के लिए सोना चढ़ाने का काम उस जमाने में महाराणा रणजीत सिंह जी ने ही किया था। भाइयों बहनों, हम अपनी इस विरासत को देश की एकता अखंडता से जोड़कर देखते हैं, इससे पर्यटन भी बढ़ता है, युवाओं को रोजगार भी मिलता है, लेकिन उन्हें देश की आस्था और विरासत से ही उनका सुनते ही उनके कान लाल हो जाते हैं, चीड़ है उनको। पंजाब के लोगों ने दशकों तक ऐसे दलों को बर्दाश्त किया, अब उन्हें इस बार भाजपा को मौका देना है।